पिछले 30 अप्रैल को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स तथा चीफ जस्टिसेस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने और केंद्रीय कानून मंत्री श्री रिजिजू जी ने आज की तारीख मुकर्रर की थी श्रीनगर आने की और कहा था कि ये जो नया भवन बनने वाला है इसका शिलान्यास आकर के करेंगे। मैं आभारी हूँ कि आप सब आए और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा केंद्रीय कानून मंत्री के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। मुझे लगता है कि यह महज शिलान्यास समारोह नहीं है बल्कि न्यायपालिका और जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रतीक चिन्ह है उस पर एक वाक्य लिखा है, यथो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है, जहां सही व्यवस्था है, वहीं जय है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तथा जुडिशियरी की भूमिका तय की है और संतुलित तरीके से इन तीनों धाराओं के रोल और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से इन तीनों धाराओं के कमोबेश संतुलन ने एक मजबूत भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया है। मोटे तौर पर व्यवस्था के सभी अंगों ने कुछ अपवादों को छोड़ करके अपने दायित्वों से जनतंत्र के महान आदर्श के रूप में काम करने की कोशिश की है। देश को समृद्ध, न्यायपूर्ण बनाने के लिए कानूनों का निर्माण नागरिकों की आकांक्षाओं और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज हमारा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि न्याय की निष्पक्षता से हमारी सभी पीढ़ियों ने अपने दायित्वों को उत्कृष्टता के साथ निभाया है। मुझे एक घटना याद है, आदि शंकराचार्य और श्री मंडन मिश्र की एक कहानी आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे थे, मिथिला के रहने वाले थे मंडन मिश्र, तो एक बड़ी दुविधा खड़ी हुई कि शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा, किसकी विजय हुई, कौन पराजित हुआ, किसे न्यायाधीश बनाया जाए। अंत में सहमति से तय हुआ कि मंडन मिश्र जी की जो पत्नी है भारती, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अब देखिए, किसी की पत्नी जज हो जाए और दूसरे पक्ष को आपत्ति न हो, ये हमारी परंपरा रही है। शंकराचार्य जी ने इसे सहज स्वीकार किया कि ये उनके पति का पक्ष नहीं लेंगी क्योंकि न्यायाधीश है। न्याय में इस तरह का विश्वास, ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है और इस न्याय व्यवस्था के लिए, बुनियादी संसाधनों में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं ताकि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोर्ट्स की कार्य प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाकर न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। कात्यायन स्मृति में लिखा है, महान दोषो भवेत काला धर्म व्यावृद्धि लक्षण, अर्थात न्याय में विलंब का मतलब है धर्म की पराजय। मुझे लगता है कि ये भी एक सूत्र वाक्य है जो हम सबके लिए जीवन में मार्गदर्शन का काम करेगा और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन तथा कोर्ट्स के आधुनिकीकरण के द्वारा इस प्रक्रिया को हम आगे और तीव्र कर सकेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि हम सब वाकिफ भी हैं और जो सम्मेलन में तय हुआ था, मैं सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय को, केंद्रीय कानून मंत्री जी को भरोसा देना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जो न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर से जरूरतें हैं वो हम वचनबद्ध हैं और निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। मैं स्मरण करना चाहूँगा यहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी का, जिन्होंने बहुत रुचि लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने मामले थे, और मैं कहूं कि कई ऐसी नई चीज़ें शुरू की उन्होंने जिसका मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सदैव उनको स्मरण करेगा। उनके जाने के बाद राजेश बिंदल जी ने जिस तरह से कुछ फैसले सामान्य आदमी के हित में किए,
मैं मानता हूं कि इन्हें भी अब इलाहाबाद में हम लोग इनको मिस करते हैं। तो मोटे तौर पर 3-4 वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, और इस बदलाव को हम जुडिशियरी में भी देख रहे हैं। सामान्य तौर पर मैं जस्टिस ललित साहब से पूछ रहा था कि देश भर में रेवेन्यू के मैटर कितने होंगे जो लिटिगेशन हो रहे होंगे, तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो ये संख्या बहुत बड़ी है। और मुझे हरिशंकर पारासाही एक हिंदी के व्यंग्यकार थे, उन्होंने एक व्यंग में लिखा कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते, 5 गांवों का लैंड रिकॉर्ड अगर भगवान कृष्ण के पास रहा होता तो शायद पांडव और कौरवों में युद्ध नहीं हुआ होता। वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। उस प्रक्रिया को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का काम हो, पासबुक हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में देने का काम हो। मैं कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी को कैसे सुलभतापूर्वक कानून की मदद मिल सके, उसके रिकॉर्ड मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है राग दरबारी, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो। उसमें एक पात्र है लंगड़, एक पैर बेचारे का खराब था, वो अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए दौड़ते दौड़ते थक गया जीवन भर, लगा दूसरा पैर खराब हो जाएगा और उसको लैंड रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। उस प्रक्रिया को हमने काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ाया है और एक लक्ष्य रखा है कि जब हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब यहाँ के नागरिकों को इससे निजात मिल जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर के काफ़ी नागरिकों को ये सुविधाएं मिल गई हैं। जहाँ तक बजट का सवाल है तो मोटे तौर पर जुडिशियरी के बजट में को भी 3 गुना बढ़ाने का काम हम सब ने किया है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आर्थिक सीमाएं हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ रेवेन्यू जनरेशन कितना होता है। भारत सरकार के भरोसे ही जम्मू कश्मीर चलता रहा है। बावजूद इसके 900 करोड़ रुपए की परियोजना श्रीनगर हाईकोर्ट की हम लोगों ने स्वीकृत की है, और जम्मू हाईकोर्ट के लिए भी जब डिज़ाइन बन जाएगी हम भरोसा देना चाहते हैं कि उसे भी हम जरूर स्वीकृत करेंगे और समय सीमा में वो बन जाए। माननीय केंद्रीय कानून मंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, हमारे पुराने मित्र हैं, और अधिकार पूर्वक जब उनसे बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि हमारा जो CSS स्कीम है, मैं बैठक में इसकी चर्चा कहूँगा, ये मंच नहीं है, कुछ मुझे लगता है कि आपको इसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। जिस भवन का अभी शिलान्यास हुआ है, मित्तल साहब ने विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मील का पत्थर साबित होने वाला है, और अनेक प्रकार की सुविधाएं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन सेंटर, लायर्स चैम्बर, जो कुछ विधिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, उसका प्राविधान इसमें किया गया है। और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हम वचनबद्ध हैं और उसे निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। एक अनुरोध मैं कहूं तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से इनके सामने कहना मैं ज़रूरी समझता हूं कि प्रशासन और न्यायिक दोनों व्यवस्थाओं का लक्ष्य मैं मानता हूं। मैंने ला पढ़ा नहीं, जब मैं मंत्री था भारत सरकार में तो कोई कानूनी दिक्कत आती थी तो हम लोगों के सीनियर थे श्री अरुण जेटली जी, तो बराबर हाजिर हो जाता था मैं उनके पास। तो मुझे दो ही बात समझ में आती है, अगर मनुष्य में संवेदना है और कॉमन सेंस है तो उसे किसी ला पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये जो लोग पढ़े हुए हैं तो विद्वान हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ ये दो मुख्य सिद्धांत, तो चाहे वो न्यायपालिका हो या प्रशासनिक सेवा हो, दोनों मिल करके सामान्य आदमी के जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो तमाम विचार हैं मैं पढ़ता रहता हूं, मुझे लगता है कि इसी रास्ते पर देश की न्याय प्रणाली चले, इसकी कोशिश की जा रही है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और सभी ब्यूरोक्रेसी की भी यही जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि प्रोसीजरल इशूज़ में ज़्यादा समय न बर्बाद हो, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ हम लगातार प्रशासनिक प्रणाली तथा न्याय प्रणाली को और सुदृढ़ करेंगे
तथा इसे कारगर बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की एक विशेष परिस्थिति है और मुझे लगता है उस परिस्थिति का ध्यान सबको रखना चाहिए। सामान्य रूप से जो व्यवस्था देश में चल रही है उस व्यवस्था को लागू करने की यहाँ कोशिश की जा रही है, तमाम प्रकार के अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि अवरोध खड़ा करने की कोशिश कहीं से नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था सुगम रूप से चले। मैं समझता हूँ यही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में भी है और मैं समझता हूँ कि देश के भी हित में है। मैं इतनी ही बात कहता हुआ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, केंद्रीय कानून मंत्री महोदय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीश महोदय का, और हमारे अतिथि हैं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जो भी अतिथि आए हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।